हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं फ्रैक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट वन करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेके फिफ्थ क्वेश्चन तक करवाने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फ्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए, तो इसका अकॉर्डिंग हम लोग को फ्रैक्शन लिखना है। उसके बाद हम लोग को आर ऑल दिस फ्रैक्शन इक्वलेंट, तो हम लोग को बताना है कि ये फ्रैक्शन इक्वलेंट है कि नहीं। इक्वलेंट मतलब क्या होता है? तो इक्वलेंट मतलब, जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 1/2 को अगर हम लोग 3/6 लिखे, तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, मतलब इक्वलेंट है। क्योंकि अगर आप इसे काट के अगर फिर लिखोगे तो ये 1/2 ही बन जाएगा, क्योंकि 3 1 3, 3 2 6। तो ये सिर्फ बड़े फॉर्म में लिखा गया, पर ये 1/2 ही है। तो ऐसे फ्रैक्शन जो दिखने में अलग हो पर वो इक्वलेंट हो, तो उस फ्रैक्शन मतलब इक्वल हो, तो उसे हम लोग इक्वलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1/2 को मैं 4/8 भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसे कट करके करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2, फिर से 1/2 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शंस इक्वलेंट फ्रैक्शंस है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डायग्राम्स दिए, तो हम लोग पहले इसके फ्रैक्शंस लिखेंगे। तो ये यहाँ पे दो पार्ट है, इसमें से ये एक पार्ट को शेयर किया, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/2। इसमें चार पार्ट है, 1 2 3 4, फिर इसमें से दो कलर किया है, मतलब ये होगा 2/4, 4 पार्ट में दो। फिर इसमें 6 है, इधर 3 और इधर 3, तो उसमें से 3 को कहते हैं, ये हो जाएगा 3/6 और वो हो जाएगा 4/8। इसमें 8 पार्ट्स में 4 कलर के। तो ये सारे फ्रैक्शन जो है, ये सारे फ्रैक्शन इक्वलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो लास्ट फॉर्म होगा वो होगा 1/2, इसका भी होगा 1/2, इसका भी होगा 1/2। सारे जो फ्रैक्शन है इसका जो लास्ट फॉर्म रहता है, अगर आप इसे, या अभी भी बड़े फॉर्म है, इसे आप चाहे तो काट के 1/2 लिख सकते हैं। पर हम लोग को पूछा गया है कि इक्वलेंट है कि नहीं। हाँ, हम लोग लिखेंगे यस, ऑल दीज फ्रैक्शन आर इक्वलेंट। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बी पार्ट लिख चुका है। तो बी पार्ट करवाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इक्वलेंट फ्रैक्शन एक शॉर्टेस्ट वे से कैसे निकाल लिया जाता है। तो मैंने पहले आप लोग को इक्वलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग समझाया, अब उसे कैसे निकालना है वो समझाता। तो कोई भी अगर दो नंबर है, जैसे मैं बुक के अगर एग्जाम्पल से कराऊँ, तो वहाँ पे उन लोग ने जो एग्जाम्पल दिया है हम लोग को वो है 36/24। तो 36/24 मैं भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो 36/24 का हमें सबसे पहले HCF निकालना पड़ेगा। HCF कैसे निकालते हैं मैं एक बार समझा देता हूँ। पहले अगर आपने मेरे वीडियो देखे तो उससे आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि कैसे निकालते हैं, पर तब भी मैं एक बार बता दूँ। सबसे पहले हम लोग को इस दोनों नंबर के फैक्टर लिखने। तो 36 का फैक्टर है 1 2 3 4 5 6, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 18 है, एंड 36। यहाँ पे इतने जो है ये 36 के फैक्टर्स है। फिर हम लोग 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले उस दोनों नंबर के फैक्टर्स लिखने हैं। फिर फैक्टर्स में लिखने के बाद उसमें से हम लोग को कॉमन फैक्टर ढूंढना है, कॉमन कौन कौन से है। तो इसमें कॉमन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 12 है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो हम लोग इसको एक साइड में बाजू में लिख लेंगे, 1 2 3 4 6 और 12। फिर ये जो नंबर्स हम लोग को मिलते हैं, इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर जो होता है, जो कॉमन नंबर में मिलता है, उसमें से सबसे जो बड़ा होता है, मतलब हाईएस्ट होता है, वो होता है HCF। जैसे आप इसमें 12 सबसे बड़ा है, तो 12 जो होगा वो होगा हम लोग का HCF। तो ऐसे HCF को निकालते हैं। फिर HCF को निकालने के बाद उसको जो फ्रैक्शन है उससे हम लोग को डिवाइड करना है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो फ्रैक्शन जो हम लोग को दिया गया वो इक्वलेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का जो पहला बी का ए जो बॉक्स है, इसमें हम लोग का जो फ्रैक्शन है उसमें 12 सर्कल्स है और इसके में 4 शेडेड है, तो हम लोग का फ्रैक्शन हो जाएगा 4/12। ये हो जाएगा 3/9। ये इसमें 2 शेडेड है, तो ये हो जाएगा 2/6। ये हो जाएगा 1 शेड है, तो 1/3। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 शेडेड है 15 में से, तो हम लोग का हो जाएगा 6/15। तो यहाँ पे हम लोग को इन सबको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इन सब में स्मॉलेस्ट फॉर्म जो था वो है 1/3। आप लोग देख सकते हैं इसे, और छोटा हम लोग नहीं लिख सकते, 1/3 एकदम स्मॉल है। तो हम लोग को भी एकदम इसको स्मॉल बनाना है सारे फ्रैक्शंस को। तो 4/12 को अगर मैं इक्वल मतलब छोटा बनाना है,
तो हम लोग सबसे पहले उसका HCF निकालेंगे, फिर उसको जो HCF आएगा उसको इन दोनों नंबर से डिवाइड करके हम लोग इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली HCF बता के डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग को चाहे तो सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हैं। इन दोनों नंबर का HCF जो आया था वो था 4, तो हम इन दोनों नंबर को 4 4 से डिवाइड करेंगे। 4 को डिवाइड 4 से करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे 4 को तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3। तो ये जो इक्वलेंट फ्रैक्शन है ये था 1/3। फिर ऐसे हम लोग को इन सब का भी HCF निकाल निकाल के उसको इन दोनों नंबर से डिवाइड करना है। 3 और 9 का अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3, तो हम लोग इन दोनों नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, फिर ये 9 3, 3 3 9 होता तो 1/3, इसका भी सेम आया। फिर इसमें 2 और 6 को जो हम लोग का HCF होगा वो होगा 2, तो हम लोग इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वापस आ जाएगा 1/3। ये तो ऑलरेडी 1/3 है, तो हम लोग को टोटल अभी तक 4 जो है सेम फ्रैक्शन मिल गया। मतलब ये चारों जो नंबर्स है ये इक्वल है, मतलब एक जैसे है। पर अभी हम लोग को लास्ट भी चेक करना है, तो हम क्योंकि हम लोग को सारे चेक करने बोला गया। आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्वलेंट, हम लोग को पूछा सारे जो फ्रैक्शन है इक्वलेंट है कि नहीं। तो 6 और 15 का हम लोग अगर HCF निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3, तो हम इन दोनों नंबर को 3 3 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2, फिर अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 3 5 15 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो छोटा जो फ्रैक्शन आया होगा 2/5, जो यहाँ पे जो 4 बॉक्स थे उसका आया था 1/3 1/3 1/3 1/3, इसमें आया 2/5। तो मतलब ये जो सारे बॉक्सेस थे ये इक्वलेंट नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नो ऑल दिस फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वलेंट, क्योंकि इसमें एक जो फ्रैक्शन आया वो 2/5 जो इन 4 फ्रैक्शन से अलग है, मतलब इक्वल नहीं है। तो बढ़ते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्वलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। तो यहाँ पे हम लोग को पहले तो फ्रैक्शंस लिखना है जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर यहाँ पे हम लोग को ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, तो यहाँ पे 5 ड्राइंग है, यहाँ पे भी 5 ड्राइंग है, तो हम लोग को इसमें से मैच करना है कि कौन कौन सा फ्रैक्शन सेम है। तो इतना ही है क्वेश्चन, तो मैंने फ्रैक्शंस ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि आप लोग को आता रहेगा, ये समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर इसके बाद हम लोग को मैच करना है। तो सबसे पहले ए जो है वो है 1/2, तो इसमें से हम लोग को 1/2 जैसा कोई इक्वलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये 1/2 नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इसको छोटे फॉर्म में भी लेंगे, क्योंकि 1/2 में क्या होगा कि जो ऊपर जो नंबर लिखा रहेगा उसके जो नीचे वाला नंबर रहेगा वो डबल रहेगा। जैसे 1 ऊपर लिखा है उसके जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है वो उसका डबल है, 1 का डबल है 2। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसके ऊपर, जैसे अगर ऊपर 2 होगा तो 2 का डबल 4, ऐसा नंबर को ढूंढना है। तो यहाँ पे 6 का डबल होता है 12, तो ये तो नहीं है। 4 का डबल होता है 8, तो पक्का यही होगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला दें तो ये 1/2 ही हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं 4 दोनों 4 और 8 को दोनों को 4 4 से डिवाइड करूँगा, तो 4 4 से कट के 1 हो जाएगा, और 8 जो है वो 4 से कट के 2 हो जाएगा। तो हम लोग का जो ये और ये है वो है इक्वलेंट। तो इसके बाद हम लोग का जो बी है फिर वो करते हैं। तो ए ऑप्शन करवाने के बाद मैंने सारे जो आंसर्स हैं वो नीचे लिख चुके हैं। ए का सेकंड तो आप लोग को पहले बता दिया होगा, और बाकी जो आंसर्स हैं वो मैंने कैसे लिखे आप लोग को समझाता हूँ। तो बी का फोर्थ कैसे हुआ, तो बी है 4/6। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को दोनों को 4 4 से, सॉरी 2 2 से डिवाइड करूँगा तो वो 4/6 होगा। 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो वो हो जाएगा 4, और 12 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो वो हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4/6। इसके लिए बी का मैंने फोर्थ लिखा। फिर सी का फर्स्ट कैसे हुआ, तो ये आप लोग को ढूंढ के करना है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो सी है 3/9, तो फर्स्ट है, तो सी है 3/9। तो इसमें जो 6/18 है जो फर्स्ट है, तो इसको अगर मैं 2 2 से डिवाइड करूँ तो ये भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि मैं 6 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो वो हो जाएगा 3, और इसको अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3/9। इसके लिए ये इसका इक्वलेंट करके मैंने सी इक्वल टू फर्स्ट लिख दिया। फिर डी का फिफ्थ लिखा, डी है 2/8 और ये है 4/6। तो अगर मैं इन दोनों को 2 2 से डिवाइड करूँगा तो 4 2 से कट के हो जाएगा 2, और ये 2 से कट के हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2/8। तो ये इस डी और फिफ्थ इक्वलेंट है, और बचे कुचे का ई बचा और थर्ड बचा, तो ये इसके इक्वल होगा। तो कैसे, ये है 3/4, तो अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को
अगर 4 से डिवाइड करो तो 12, 4 से डिवाइड होगा तो बचता है 3, और 16 अगर 4 से डिवाइड करो तो बचता है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ऐसे ही मैंने सारे इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखे। तो बढ़ते हम लोग के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेंट नंबर। तो हम लोग को यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया, उसमें कौन सा करेक्ट नंबर आने वाला है तो रिप्लेस करके लिखना है। तो इसके लिए हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सबसे पहले इसको और इसको इंटू कर लेते, मतलब 2 को इंटू ये बॉक्स, 2 इंटू बॉक्स इसक्वल टू 8 × 7 या 7 × 8 जो भी है। तो हम लोग ऐसे पहले इसको इससे इंटू करते, इससे इसको, मतलब इससे पता ही चल जाता है कि क्रॉस इंटू कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को करेक्ट नंबर लाना है। तो अभी कैसे, अगर कोई भी चीज़ इक्वल टू के, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो अगर यहाँ पे कोई प्लस नंबर होता है जैसे +2, अगर हम लोग इसको इक्वल टू के इस तरफ भेज देंगे तो वो -2 हो जाएगा। कोई भी ऐसा एक नंबर जैसे +2 वो उधर गया तो वो हो जाएगा -2। तो ऐसे जो भी साइंस रहता है वो इक्वल टू के उस तरफ जाके अलग हो जाता है। अगर कोई नंबर जैसे 5 और 2 × 7, अगर ऐसा कोई नंबर दिख जाता है आप लोग को, अगर आप लोग को 2 को इक्वल टू के उस पार भेजना है तो ये इंटू में है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये 7 से अब इधर इंटू कर रहा है तो ये उधर जाके 5 से डिवाइड कर लेगा। तो ऐसे अगर वही अगर ये डिवाइड में होता तो जाके उधर इंटू में हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे करना है, जैसे अभी 2 जो है वो ये बॉक्स से इंटू कर रहा है तो अभी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बॉक्स अभी 2 को हम लोग उस तरफ भेज रहे हैं। अभी आप लोग सोच रहे हो कि किससे डिवाइड होगा, वो 8 से होगा कि 7, वो दोनों से होगा, एक से नहीं होगा, क्योंकि अगर वो उधर जा रहा है तो दोनों से होना ही चाहिए। तो हम लोग दोनों के नीचे सब डैश मार के इधर 2 लिख देंगे, क्योंकि वो उधर इंटू कर रहा है, इंटू से इधर आके वो डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद हम लोग अगर इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि बॉक्स के इधर क्या है। तो उसके लिए हम लोग 8 × 7 करेंगे। तो 8 × 7 होता है 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 56, तो 56/2 हो जाएगा इक्वल टू बॉक्स। फिर 56 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 28। तो इससे पता चल जाता है कि जो बॉक्स का जो सही आंसर है वो है 28। तो हम लोग इक्वल का मतलब वो होता है, अगर इधर साइड अगर 2 है तो इधर साइड भी 2 ही होना चाहिए, मतलब इधर 5 चॉकलेट है तो इधर भी 5 चॉकलेट होना चाहिए। इक्वल मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 28 डाल देंगे तो वो 8/7, 8 × 7 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को सारे पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पे मैंने BCD पार्ट सॉल्व करके रखा है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे मैंने इसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आप लोग को पहले बताया था ये पार्ट करके, वही सेम यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले हम लोग को इसे क्रॉस इंटू करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 5 को बॉक्स से इंटू किया, फिर 10 को 8 से इंटू किया, वो इधर लिख दिया, सेम इधर भी किया, सेम इधर भी किया, सेम चीज़ किया है। फिर उसके बाद 5 इधर इंटू में तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 को इधर लाके दोनों से डिवाइड करा दिया, इधर भी, यहाँ पे इधर 5 था तो वो इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे 45 इधर था तो वो नीचे आके डिवाइड हो गया। तो सेम तीनों स्टेप्स तीनों का सेम है। फिर उसके बाद हम लोग ने जो भी इधर नंबर्स है लिखे हुए उन लोग को इंटू कर दिया, 8 × 10 कर दिया 80, 3 × 20 हो गया 60, इधर 16 × 15 हो गया 900, ऐसे तीनों को सॉल्व कर दिया। फिर सेम नीचे जो नंबर है उसको उससे डिवाइड कर दिया, तो धीरे धीरे सबका आंसर आ गया। तो हम लोग को पता चल गया कि बॉक्स की जगह पे 16 है, इधर बॉक्स की जगह पे 12 है, इधर बॉक्स की जगह पे 20 है। तो इससे हम लोग का जो तीनों जो सम जो हम लोग को था वो जो है वो अभी करेक्ट नंबर से जो है वो रिप्लेस हो गया, मतलब बॉक्स के यहाँ पे करेक्ट करेक्ट नंबर आ गया सब। तो और एक पार्ट बचा, वो भी मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ई पार्ट जो लास्ट बचा था उसको भी सॉल्व कर दिया है, सेम जो पहले जैसा किया था वैसा ही किया है। इसको भी यहाँ पे क्रॉस पहले मल्टीप्लाई को लिख दिया, फिर जो इधर इंटू में उसको डिवाइड में ला दिया। हम लोग को बस अगर इक्वल के इधर एक साइन होता है वो उधर जाके उसका अलग साइन बचता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो वो इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है अगर इक्वल के उस पार चले जाते हैं। तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कभी भी कोई समय, यहाँ पे सब जगह इंटू था तो डिवाइड डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको भी 3 से रिप्लेस कर दिया है बॉक्स को। तो बढ़ते हम लोग के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5
हैविंग डिनोमिनेटर 20, न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 30। तो ये क्वेश्चन जो है पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस हम लोग को थोड़ा डिफरेंट दिया है। इसमें हम लोग को ये जो फ्रैक्शन है खुद बनाना है। इसमें हम लोग को बताया कि न्यूमरेटर 20 है, डिनोमिनेटर 9 है, ऐसे ऐसे मतलब दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया गया है कि डिनोमिनेटर 20, तो हम लोग को जो फ्रैक्शन दिया गया है वो है 3/5। अभी हम लोग को जो बॉक्स का जो आंसर लाना है वो एकदम सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का फ्रैक्शन है 3/5, तो हम लोग 3/5 लिख लेंगे। उसके बाद इक्वल टू लिख देंगे। फिर इन लोग जहाँ बोलेंगे, अगर न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर की जगह पे वो नंबर डाल देंगे, अगर डिनोमिनेटर बोला है तो डिनोमिनेटर की जगह पे नंबर डाल देंगे। इन लोग ने डिनोमिनेटर में 20 बोला तो हम लोग डिनोमिनेटर में 20 डाल देंगे, फिर बॉक्स डाल देंगे। इधर भी 3/5 के इक्वल टू में लिख के, इधर न्यूमरेटर में 9 बोला तो हम लोग न्यूमरेटर में 9 डाल के नीचे बॉक्स कर देंगे। इसमें डिनोमिनेटर 30 बोला तो डिनोमिनेटर में 30 डाल देंगे, मतलब नीचे 30 डाल देंगे, ऊपर बॉक्स लिख देंगे। फिर हम लोग का जो बॉक्स जो इधर बच रहा है उसका आंसर ढूंढना है, जिससे ये जो फ्रैक्शन है वो इक्वलेंट हो जाए। तो हम लोग ने जैसे मैंने आप लोग को पहले सिखाया था वही सेम इधर करना है, वही हम लोग को इधर तक, बस यहाँ पे इधर तक थोड़ा हार्ड पार्ट था, उसके बाद जो पहले जैसा क्वेश्चन था वही सेम करना है। तो इसके बाद पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर 320 से इंट हो गया, 5 बॉक्स से इंट हो गया, यहाँ पे 3 बॉक्स से इंट हो गया, 9 5 से इंट हो गया, यहाँ पे 330 से इंट हो गया, बॉक्स 5 से इंट हो गया, ऐसे करना है। उसके बाद ये जो 5 इंटू में इधर जाके डिवाइड, यहाँ पे 3 इंटू इधर जाके डिवाइड, यहाँ पे 5 इंटू इधर जाके डिवाइड। फिर 320 सा होता है 60, तो 60 यहाँ पे लिख दिया। 9 5 सा होता है 45, फिर 330 सा होता है 90। तो यहाँ पे फिर जो बचे कुछ नंबर है उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो हम लोग का सही आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग को यहाँ पे 12 आया, इधर 15 है, इधर 18 है। तो यहाँ पे ये 3 पार्ट्स ख़त्म हो गए। बस मैं और एक बार आप लोग को शुरुआत से बता देता हूँ, ये नहीं बताऊँगा, ये तो आप लोग आता है क्या करना है। 3/5 का 3/5 इधर लिखना है, इक्वल टू करना है। लोग जहाँ बोलेंगे न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में वो नंबर डालें, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में नंबर डालें। फिर जो स्पेस खाली बचेगा, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 20 डालने बोला तो न्यूमरेटर खाली बच गया तो उधर बॉक्स डालना है। इधर न्यूमरेटर भर गया, इधर डिनोमिनेटर खाली बच गया तो उधर बॉक्स डाल देना है, ऐसे करना है। तो यहाँ पर और एक पार्ट बचा है, वो भी करा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने डी पार्ट भी लिख चुका है। डी पार्ट में बोला गया है कि 27 इन न्यूमरेटर, तो 3/5 के इक्वल टू हमने न्यूमरेटर में 26 डाल के डिनोमिनेटर में बॉक्स डाल दिया। उसके बाद हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पार्ट आ गया। उसके बाद हम लोग ने 3 इधर इंटू में तो उधर जाके डिवाइड कर दिया। फिर दोनों को इंटू करके 135 लिख के 3 से इसको डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग का आंसर आया 45। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते अपने 5th क्वेश्चन, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का जो 5th क्वेश्चन है कि वो है कि फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमरेटर ऑफ 9 एंड डिनोमिनेटर 4। तो ये भी पहले क्वेश्चन जैसा सेम है, इसमें बस फ्रैक्शन डिफरेंट दिया हुआ है 36/48। और इसमें हम लोग ने 36/48 यहाँ पे भी लिख दिया, 36/48 यहाँ पे भी लिख दिया। इस बार न्यूमरेटर 9 है तो हमने न्यूमरेटर की जगह पर 9 डाल के इक्वल टू में फिर नीचे डिनोमिनेटर में बॉक्स डाल दिया। इसमें डिनोमिनेटर में 4 बोला तो हमने डिनोमिनेटर में 4 डाल के ऊपर बॉक्स, जो न्यूमरेटर खाली था उधर बॉक्स लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग ने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी वही किया, यहाँ पे भी वही किया, 36 को 4 से, फिर 48 को बॉक्स से इंटू किया, फिर इधर 36 को बॉक्स से, फिर 9 को 48 से इंटू किया। उसके बाद 36 इधर इंटू है तो इधर डिवाइड, इधर 48 इंटू है तो इधर डिवाइड। फिर उसके बाद इन दोनों को इंटू किया, इन दोनों को इंटू किया, हम लोग का इधर आया 432, इधर आया 144। फिर उसको जो नीचे नीचे नंबर है डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आया 12, यहाँ पे आया 3। तो यहाँ पे भी हम लोग ने पहले 4th क्वेश्चन जैसा किया। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये हम लोग के पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन था। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर आप लोग को पढ़ने में है तो एक लाइक अभी कर देना। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे। और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।